जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल काउंसिल सतत भारत के विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनमानस की आस्था और अस्मिता को स्थापित करने के लिए कार्यरत है। मानव कल्याण के क्षेत्र में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। 1 फरवरी से राष्ट्र के वीर सपूतों को नमन करते हुए हम जहां जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं अपने क्षेत्र में, वह जिन महापुरुष से स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावित हैं, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए अपनी योगदान दी है, उनके बारे में उस जनमानस, उस क्षेत्रीय जनमानस के बीच जाकर के, चाहे बच्चों के बीच, चाहे युवाओं के बीच, उनके विषय में, उनके वैभवशाली इतिहास के विषय में लोगों का बताने का प्रयास करेंगे, उनके गौरवगान से लोगों का उत्साह वर्धन करेंगे। इससे क्या होगा कि क्षेत्रीय स्तर का जो इतिहास है वो बचा रहेगा, हमारे मन मस्तिष्क पर जो भी महापुरुष देश के विकास के लिए काम किए हैं वो हमारी स्मृति में बने रहेंगे और देश के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें, इसके लिए जा जा करके, घर घर जा करके राष्ट्रवाद की संकल्पना को प्रस्फुटित करने में अपना योगदान देंगे। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार। हम पूरे विश्व में देश को, देश के अस्तित्व को तभी स्थापित कर सकते हैं जब हम स्वदेशी के प्रति, जब हम अपने इतिहास के प्रति, जब हम अपने संस्कृति के प्रति, जब अपने भाषा के प्रति, जब अपने खान पान के प्रति, जब अपने वैभवशाली और समृद्धशाली इतिहास के प्रति समर्पित होंगे, तभी जाकर के हम दुनिया जीतेंगे। और आज का बच्चा, युवा, सबके हाथ में मोबाइल है, कहीं ना कहीं मोबाइल हमारे विकास में अग्रणी भूमिका भी निभा रहा है और कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे विकास में बाधक भी है। ऐसे में उनको क्षेत्रीय इतिहास से जोड़ना, हमारे महापुरुषों के विषय में बताना, क्योंकि कहा जाता है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। तो बलिदान की धरती है, राष्ट्रीय आंदोलन में जितने लोग शहीद हुए, हमारे देश की सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए जिन महापुरुषों ने जाति पाति से ऊपर उठकर भारतीय एकता और समन्वयवाद की स्थापना के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे महापुरुषों को हम अगर नमन करेंगे, याद करेंगे, अपने स्मृति पटल पर रखेंगे, तो बहुत ही अच्छा मेरा भविष्य होगा। इसलिए आशा करता हूं कि फरवरी का माह जो है वो शहीदों के नमन के लिए, राष्ट्रभक्तों के नमन के लिए, महापुरुषों के नमन के लिए, धर्म वेत्ताओं के नमन के लिए समर्पित है और अपने क्षेत्र में जाकर के हम उनके गौरवगान को सुनाएंगे, उस पर एक छोटी सी प्रतियोगिता कराएंगे बच्चों के बीच और उनके लिए संगठन की तरफ से सर्टिफिकेट, जैसे ही आप उनका नाम और फोटो वीडियोज भेजेंगे कि हमने कार्यक्रम किया, उनके लिए संगठन स्पेशल रूप से सर्टिफिकेट और कुछ अन्य चीजें आप तक पहुंचाने का काम करेगी। तो हमें अपने जितने भी संगठन के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं,
उनके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और जन जन तक भारतीय इतिहास को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय समृद्धि को, भारतीय विद्या को, भारतीय अनुसंधान को, भारतीय ज्ञान विज्ञान को, भारतीय धर्म संहिता को पहुंचाना है, बताना है और हम और आप मिलकर के इस भारत को, अपने समाज को समृद्धिशाली तभी बनाएंगे जब आने वाली पीढ़ी के पास उसके वैभवशाली इतिहास का गौरवगान होगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, और आशा करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। नमस्कार।